हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 1 सितंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और यहाँ पे अपनी जो है ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले पेट्रोनेट में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन पेट्रोनेट में 1.17% की यहाँ पे डाउनसाइड देखने मिली है। नेगेटिव यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है और इसमें क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 227.60 पे। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या ऐसे ही आने वाले दिनों में इसमें डाउनसाइड रहने वाला है या फिर कोई यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट आने का यहाँ पे जो है एक संभावना बन रही है या फिर नहीं। तो चलिए सबसे पहले उसके लिए देखते हैं अपना वन डे का चार्ट। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है, वन डे का चार्ट हमें क्या दिखा रहा है उस बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा वन डे का चार्ट जो है एक एवरेज से थोड़ा हाई यहाँ पे जो है वॉल्यूम दिखा रहा है। वॉल्यूम के बाद यहाँ पे जो कैंडल जो बनी है वो भी यहाँ पे एक बड़ी सी जो है कैंडल बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 2-3 दिन से जो है उससे बड़ी कैंडल है। इसकी वजह से यहाँ पे जो कैंडल जो है थोड़ी सी इम्पैक्ट करती है इस स्टॉक को। इसकी वजह से यहाँ पे जो कैंडल जो है थोड़ा सा इसकी वजह से वॉल्यूम जो है साथ ही साथ बड़ा हो चुका है और यहाँ पे कैंडल भी जो है वो बड़ी हो चुकी है एवरेज के हिसाब से। फिलहाल यहाँ पे RSI जो है डाउन साइड है 58 के आसपास, जो थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाता है एक स्टॉक। फिलहाल यहाँ पे जो है आपको चांसेस जो है वन डे के हिसाब से यहाँ पे जो है एक अपसाइड के जरूर बनते हुए देखने मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वन आवर के चार्ट में हम कल के लिए क्या होने वाला है उस बारे में भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो है आपको एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे ये जो क्रॉसओवर जो बनने वाला है 20 EMA और 50 EMA का, ये एक मेजर रोल प्ले करने वाला है इस स्टॉक में। यहाँ पे जैसे ये 20 EMA और 50 EMA जो क्रॉस हुआ, मतलब 20 EMA ने 50 EMA को जैसे ही क्रॉस किया, यहाँ पे आपको एक बड़ी रैली देखने मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जो 200 EMA का जो रेजिस्टेंस जो है वो अपसाइड है, इसका मतलब यहाँ पे एक बड़ी रैली आपको देखने मिलने वाली है। 250 तक का ये जो है स्टॉक इजीली यहाँ पे मुझे सीधे सीधे यहाँ पे देखने मिलने वाला है। तो इस स्टॉक पे जो आपको नजर बनानी बहुत जरूरी। ये स्टॉक जो आप आज हम पहली बार आप सभी के लिए लाए हैं, ये इसी के लिए लाए हैं क्योंकि यहाँ पे जो है अभी चांसेस जो बहुत ही हाई बन रहे हैं इस पे अपसाइड जाने के, इसकी वजह से आपको जो इसमें नजर बनानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कल के लिए इसमें क्या होने वाला है अपने वन आर के चार्ट पे। तो यहाँ पे वन आर के चार्ट में हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। वन आर का चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है उस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा इंडिकेटर स्टोकेस्टिक RSI जो है हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो आप देख सकते हैं क्रॉसओवर जो है बनने वाला है डाउन साइड के लिए, इसका मतलब यहाँ पे जो है डाउन साइड दिखा रहा है अभी के लिए। छोटा सा ये डाउन साइड रह सकता है तो थोड़ा सा घबराइए नहीं। यहाँ पे जो है आप ट्रेडर्स के लिए या फिर इन्वेस्टर्स के लिए जो छोटा सा एक ट्रैप बन सकता है, इसमें जो है आपको चांसेस जो है थोड़े से यहाँ पे आपको संभालना है। यहाँ पे जो है एग्जिट तुरंत ही नहीं करना है और अपना जो है स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा बढ़ा देना है, डाउन साइड कर लेना है। अगर आप जो है यहाँ पे 225 के आसपास यहाँ पे अगर आपने स्टॉप लॉस को रखा है तो। फिलहाल अब हम देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा 225 का जो एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है। ईजी यहाँ पे 225 तक जो है कल के दिन ये स्टॉक जो है आ सकता है और यहाँ पे नीचे के लिए जो है रेजिस्टेंस जो है 229 या फिर 230 में कहूँ एक साइकोलॉजिकल नंबर बन रहा है यहाँ पे, और अगला जो है 230.90। इसका मतलब है यहाँ पे जो है चांसेस जो है ये स्टॉक के इसी बीच घूमने के हैं। यहाँ पे इसको मैं बढ़ा देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे जो है चांसेस जो है अभी अगर अपसाइड जो आया 230 के आसपास जो आया, तो यहाँ पे पहला यहाँ पे जो है ऑलरेडी एक जो है बड़ा डाउन साइड आया था, इसकी वजह से मैं इसे काउंट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है पॉजिटिविटी में जो है अपसाइड आया था, इसकी वजह से यहाँ पे मैं इसे काउंट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो एक दूसरा यहाँ पे एक बन रहा है, ये दूसरा और यहाँ पे तीसरा जो है डाउन साइड लिया है। इसका मतलब यहाँ पे 3 बार जो है इस स्टॉक ने जो है डाउन साइड यहाँ पे लिया है। इसकी वजह से ये जो स्टॉक है फिलहाल के लिए जो है अब जब क्रॉस करेगा 230 को, तो यहाँ पे जो बड़ी रैली आपको देखने मिल सकती है। बड़ी रैली का मतलब जैसे कि मैंने कहा 250 यहाँ पे ईजी देखने मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको वन डे के चार्ट पे मैंने आपको बताया था, इसका मतलब 250 जो है क्रॉस को भी हो सकता है और यहाँ पे अच्छा खासा जो है रैली आपको जरूर इसमें देखने मिल सकता है। कल यहाँ पे 230 का एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए या फिर उसके थोड़ा नीचे एक फेस होते हुए देखने मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे थर्सडे या फिर फ्राइडे को जो है ये 230 जो क्रॉस होते हुए आपको देखने जरूर
मिल सकता है, और एक जो है बड़ी रैली आपको आने वाले दिनों में उसके बाद जो है देखने जरूर मिल सकती है। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।